खबर ये आ रही है कि कैरी मिना टीवी शो में जा रहा है, उसको माइक की जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि चिल्लाता ज्यादा बोलता कम है। एलविस यादव ने कैरी मिना आंटी को कहीं ना कहीं रोस्ट कर दिया है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल एलविस यादव ने बिग बॉस OTT3 के लिए कुछ यूट्यूबरों को बताया जिसमें कैरी मिना आंटी के बारे में क्या कहा, आप खुद देखिए। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा। गाइस इस बारी का बिग बॉस OTT Season 3 बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस बारी हमारे होस्ट है मोस्ट यंग हैंडसम और सबसे ज्यादा कूल हमारे अनिल कपूर जी। और तुमने सोचिए कि भाई इस बारी कंटेस्टेंट कौन कौन होगा। देखो उड़ती खबर ये आ रही है कि कैरी मिना टीवी शो में जा रहा है, उसको माइक की जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि चिल्लाता ज्यादा बोलता कम है। पर मैं सोच रहा हूँ कि कभी हमारे कैरी भाई की रोस्टिंग से हमारे होस्ट गुस्सा ना हो जाए या फिर कैरी रोस्टिंग के दम पे शो ना जीत जाए। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा क्योंकि सब एलविस यादव नहीं होते। और दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है दूसरा कंटेस्टेंट होना चाहिए हमारे निश्चय भाई, क्योंकि मलान फैमिली से भाई एक इंसान हर साल बिग बॉस में जाना चाहिए रनर अप की पोजीशन के लिए। यार कोई तो हो, क्यों अभिषेक भाई है? और तीसरा कंटेस्टेंट होना चाहिए हमारा टेक्नो भाई, जिसको पता लगे कि बिग बॉस के गेम के अंदर और कंप्यूटर में खेले वाले गेम के अंदर बहुत फर्क होता है भाई। तो गाइस किस चीज का वेट कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी 21 जून से जियो सिनेमा पे। उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। और भैया जो कलेश होने वाला ना इस बारी बहुत ज्यादा, मैं तो खुद देखूंगा क्योंकि हम विनर के साथ साथ बिग बॉस के फैन भी हैं। तो जाओ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो जियो सिनेमा का। आप बिग बॉस OTT3 में किसको देखना पसंद करोगे हमें कमेंट में जरूर बताएं।